हमें दिया गया था बर्जीलियस हाइपोथीसिस, बर्जीलियस हाइपोथीसिस. Now, what do you mean by Berzelius hypothesis? But before studying Berzelius hypothesis, we should know what is hypothesis all about. पहले हमें पता होना चाहिए hypothesis क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि Berzelius hypothesis क्या है. बेटा देखो, बेटा जब हम hypothesis की बात करते हैं, देखो मान लो जो scientific हमारा system है उसको किस तरह से हम देखते हैं. बेटा सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, दे डिफाइन अ प्रॉब्लम. पहले वो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम है क्या, गॉट इट. अब प्रॉब्लम उनको समझ आए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो पहला देते इंटेलिजेंट गैस. वो जो इंटेलिजेंट गैस होता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं. समझ में आई बात. सो हाइपोथेसिस नथिंग इज एन इंटेलिजेंट गैस. अब जब उस इंटेलिजेंट गैस को सारे साइंटिस्ट थ्योरी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जब वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते, एक्सपेरिमेंटेशन से जब उसको कनेक्ट पाते हैं तो बेटा वो थ्योरी बन जाती है. जब देखते हैं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ठीक लग रहे हैं तो दैट कन्वर्ट्स इनटू अ थ्योरी. अब थ्योरी को जब वो प्रैक्टिकल एविडेंस दे करके कुछ आसपास के लोग उस थ्योरी को मानने लग जाते हैं, ठीक, यानी कुछ थोड़े सराउंडिंग में उस थ्योरी को माने जाना लग जाता है, तो उसको प्रिंसिपल बोला जाता है बेटा. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. एंड लास्टली अगर वो प्रिंसिपल थ्रू आउट वर्ल्ड में यूज होने लग जाए. बेटा प्लीज अपना माइक बंद करें. कर दिया भाई, क्या कर रहा है तू? बेटा अपना माइक बंद कर दे. कौन है बच्चे? हेलो, ठीक. सो बर्जीलियस हाइपोथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, कि हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे तो मैंने समझाने की कोशिश ये की. देखो बेटा पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर एक इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं जिसको अपन हाइपोथीसिस बोलते हैं. हाइपोथीसिस देने के बाद उसके ऊपर टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है जिससे उसको थ्योरी में कन्वर्ट किया जाता है. थ्योरी अगर कुछ स्केल ऑफ मास में माननी शुरू हो जाती है तो उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, और अगर वो थ्रू आउट वर्ल्ड में ये वैलिड हो जाता है तो उसको लॉ बोलते हैं. क्लियर? तो ये तरीका है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. देन एन इंटेलिजेंट गैस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस. टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन चेंजेस दिस हाइपोथेसिस इनटू अ यू कैन से थ्योरी. थ्योरी के बाद व्हेन थ्योरी इज अप्लाइड टू अ मास, और यू कैन से टू मास इट इज एप्लीकेबल, देन इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल. एंड इफ इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, तो उसको क्या मानते हैं? लॉ मानते हैं. तो हम यहां पढ़ रहे हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड अदर पर्टिकुलर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एक्चुअली कॉम्बिनेशन का लॉ नहीं है, इसलिए बेटा इसको उसमें पढ़ाया नहीं जाता, अलग से पढ़ाया जाता है. तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस कहती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम under similar conditions of temperature and pressure. क्या बोला? मैंने कहा equal volume of all gases, equal volume of all gases contains equal number of atoms under similar conditions of temperature and pressure. ठीक है जी. हमने यहां पे कहा कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होगी तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम होगा. तो जैसे मेरे बच्चों से मैंने ये एक वेसल ले लिया, और एक वेसल जो होगा बेटे हमारे पास, उसमें मान लो 1 लीटर का मैंने वेसल लिया है, ठीक, एट प्रेशर 1 एटमोस्फेयर ले लिया, और इसमें गैस ए है. ये कहता है अगर इसमें एन एटम्स होंगे, हमने एक दूसरा वेसल ले लिया,
इस दूसरे वेसल को भी हमने 1 लीटर ले लिया बेटा, एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लिया बच्चे, और इसमें गैस बी है मान लो, तो इसके अंदर भी n एटम्स ही होने चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही अगर एक तीसरा हमने ले लिया, ठीक जी, तीसरा, तीसरे में हमारे पास अगर बेटा हम इसमें भी 1 लीटर एट पी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लें और ये सी गैस है, तो यहां पे भी n एटम होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस व्हाट हैपेंस, अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कोई मर्जी गैस ले लो इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ गैस, अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्लियर? पर बेटा मैं पहले एक बार दोबारा समझा दो, नेटवर्क इश्यूज आ गए थे। समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी। देखो बेटा, मैंने कहा कि अगर मेरा वॉल्यूम सेम है, यहां 1 लीटर लिया, यहां 1 लीटर लिया, 1 लीटर लिया, और प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, गैस भले ही अलग अलग हो, अगर उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी अगर इसमें एन एटम होंगे तो बेटे इसमें भी एन एटम होंगे, तो इसमें भी एन एटम होंगे, से इसमें अगर 10 एटम मतलब 100 एटम होंगे, तो इसमें भी 100 होने चाहिए, इसमें भी 100 होने चाहिए, अगर इनकी वॉल्यूम सेम हो और कंडीशंस सेम हो। तो बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो सर एन एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम्स बेटे, एन का मतलब एन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है जी, n का मतलब n number of atoms। तो ऐसे करके equal volume में equal number of atoms होने चाहिए according to Berzelius hypothesis। But this is a hypothesis। क्यों नहीं इसको law बना दिया गया? या क्यों नहीं ये बाद में principle बना? तो समझो। देखो बेटा, gases जो होती हैं, इनका nature molecular होता है। Gases का nature atomic नहीं होता। गैस में कभी भी एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल नहीं होता, गैस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, तो क्या हाइड्रोजन एच की तरह एग्जिस्ट करती है? नो, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2। कैसे एग्जिस्ट करती है? H2, यानी मॉलिक्यूल की तरह, इट नेवर एग्जिस्ट एज H। क्लियर? ऑक्सीजन की बात करें तो क्या ऑक्सीजन O एग्जिस्ट करता है? नो, इट एग्जिस्ट एज O2। नाइट्रोजन की बात करें तो क्या वो N एग्जिस्ट करता है? नो, दैट एग्जिस्ट एज N2। क्लोरीन की बात करें तो क्या वो Cl एग्जिस्ट करता है? नो, इट एग्जिस्ट एज Cl2। यानी गैसेस का नेचर मॉलिक्यूलर होता है, एटॉमिक नहीं होता। दुनिया में कोई भी गैस एटॉमिक नहीं होती, एटम से मिलकर गैस नहीं बनती, गैस बनती है मॉलिक्यूल से। क्यों? देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई तुमसे पूछे कि गैस का नेचर मॉलिक्यूलर क्यों होता है, कोई जवाब ही नहीं मिलेगा किससे बेटा, लेकिन अपने पास होगा। कैसे? देखो बेटा, हमने गैसेस उनको बोला था, याद करो गैसेस को, मैंने बोला था गैस वो होती है जिसमें आपस में मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बहुत ही कम, आइडियल गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और बेटा इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन की फोर्स तब नहीं होगी अगर वो स्टेबल होगा, स्टेबल तब होगा अगर उसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट होंगे, या उनकी रिएक्टिविटी खत्म करने के लिए उनकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तभी वो रिएक्टिव नहीं होंगे। और वैलेंसी अकेले एटम की कंप्लीट नहीं हो सकती ना। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ना ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रिएक्ट करेगी करेगी, अगर वो रिएक्ट करेगी तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो गैस का मॉलिक्यूल या गैस का पार्टिकल नहीं बना सकती। लेकिन जब एच और एच जुड़ जाता है तो दोनों एच का क्या हो जाता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, उससे दोनों एच स्टेबल हो जाते हैं। जब दोनों एच स्टेबल हो जाएंगे, किसी और से रिएक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6।
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बेटा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 2 आठ कंप्लीट करने हैं ना बेटा स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए 1 तो दूसरे ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन शेयर कर लेते हैं उससे इस ऑक्सीजन के वेरिएशन में भी कितने हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये भी शेयर किया है तो इसके पास भी कितने हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो दोनों में 8 कंप्लीट हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन बिकम स्टेबल तभी ये किसी और के साथ ज्वाइन नहीं करता उस समय ये गैस की तरह एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि अभी स्टेबल है लेकिन अकेले ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए वो बड़ी जल्दी रिएक्ट करता था और इस वजह से वो स्टेबल नहीं होता था अब आप मेरे को बोल सकते हो ऑक्सीजन तो औरों के साथ भी रिएक्ट करता है अरे बेटा वो तो तब जब हम किसी को ऑक्सीजन का हीट करते हैं किसी को ऑक्सीजन का हीट करते हैं या उसमें कुछ एनर्जी देते हैं तो पहले इसके बॉन्ड टूटते हैं बॉन्ड टूटने से एटॉमिक ऑक्सीजन बनता है और एटॉमिक ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता इसलिए रिएक्ट करता है ठीक अगर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो रिएक्ट नहीं करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो क्या रिएक्ट करता है नहीं करता है क्यों स्टेबल होता है उस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन को तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तीन बॉन्ड बनाता है इसलिए कोई भी गैस जो होती है बेटा उसका कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम नहीं होता किसी भी गैस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल होता है समझ में आई मेरी बात जैसे हम अगर नोबल गैसेस की बात करें फॉर टाइमिंग हम नोबल गैसेस की बात करें नोबल गैसेस में क्या होगा हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया ऐसे याद कर लेते हैं ना हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया या ऐसे बोल सकते हैं हेमंत ने अरेंज करके जीरो रन बनाया एक ही बात है यार ऐसे हम याद कर लेते नोबल गैसेस देखो बेटा नोबल गैसेस भले ही अटोमिक है लेकिन इनको भी बेटा मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है नोबल गैसेस को भी क्या बोलते हैं मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि गैसेस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हम एटम नहीं लेते गैसेस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हम मॉलिक्यूल लेते इसलिए बर्जीलियस की थ्योरी ये हाइपोथेसिस गलत है क्योंकि गैस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एटम है ही नहीं मॉलिक्यूल है तो एवोगैड्रो ने इसको सही किया तो अपना एक लॉ दे दिया जिसको आज हम एवोगैड्रोज लॉ बोलते हैं क्या बोलते हैं एवोगैड्रोज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट एवोगैड्रोज लॉ ठीक है इसी से बना है इसी को थोड़ा चेंज किया उसने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस have equal volume of all gases contains equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure ठीक है जी तो अब हमारे पास लॉ में फर्क क्या आया बेटे यहां पे बर्जीलियस ने हमें एटम दिया था नंबर ऑफ एटम दिया था जबकि हम यहां क्या बोल रहे हैं हम यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं दिस इज द ओनली चेंज एवोगैड्रो डिड उसने एटम की जगह क्या ला दिया मॉलिक्यूल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो हुआ करते थे ना मेरे बच्चों गैस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल्स गैस के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर ओनली मॉलिक्यूल्स एटम होते ही नहीं थे सिर्फ क्या होते थे मॉलिक्यूल होते थे बोलो समझ में आया क्लियर हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इस चीज को बेटा अपन ने एवोगैड्रो लॉ बोल दिया क्लियर यानी एटम की जगह मॉलिक्यूल्स हो गए अब देखो बेटे यानी यहां पे एटम नहीं रहेंगे यहां एटम नहीं रहेंगे यहां एटम नहीं रहेंगे इसकी जगह क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स आएंगे इसकी जगह क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स आएंगे
यहाँ पे भी मॉलिक्यूल आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से समझिएगा, हम मान लो चार गैसेस ले लेते हैं। पहली गैस मैंने यहां पे हीलियम ले ली, पहली गैस कौन सी ले ली, हीलियम। दूसरी गैस बेटे मैंने से हाइड्रोजन ले ली, H2, ठीक है। तीसरी गैस बेटे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कौन सी, CO2। और चौथी गैस ठीक यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी गैस जो मैंने बेटे यहां पर ली है, फोर्थ गैस, वो है अमोनिया। तो मेरे बच्चा लोग, हमने यहां पे चार गैस ले ली, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये चार गैस ले ली है। मान लो इसकी वॉल्यूम वी है, इसकी वॉल्यूम भी वी है, इसकी वॉल्यूम भी वी है, और इसकी वॉल्यूम भी वी है, ठीक है, वॉल्यूम सबकी वी है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो अगर इसमें एन मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इसमें एन मॉलिक्यूल्स होंगे तो बेटा इसमें भी एन मॉलिक्यूल्स ही होंगे, तो इसके अंदर भी एन मॉलिक्यूल्स ही होंगे, समझ में आया, तो इसके अंदर भी एन मॉलिक्यूल्स ही होंगे बेटा, मेरे बच्चों समझ में आया होगा। अब यहां पे बात क्या बोली कि इक्वल, हम बोला इक्वल वॉल्यूम, सभी का वॉल्यूम सेम था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। जसनूर आपने मेरे से पूछा बेटा कि क्या नोबल गैसेस पे ये वैलिड है, बेटा मैंने आपको बोला नोबल गैसेस को आज हम एटम बोलते ही नहीं है पुत्र, इसको अपन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। तो यहां हम हीलियम मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं बेटा, एटम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि नोबल गैसेस के लिए ये वैलिड है, क्योंकि एटम तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है ही नहीं ना गैस का, अगर ये एटॉमिक है तब भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। इसलिए बेटा हम ये बोलेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब समझो आगे बात, सर एक मिनट दोबारा से रिपीट करना, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी एवोगाड्रो लॉ से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। देखो बेटे हमें ये बोला गया था, बर्जीलिस में बोला गया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर जी। लेकिन यहाँ एवोगाड्रो लॉ में हमें बोल दिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एटम शब्द को चेंज कर दिया गया बेटा, और उसकी जगह क्या रखा गया, मॉलिक्यूल रखा गया, बाकी सब कुछ सेम था। क्यों रखा गया मॉलिक्यूल, क्योंकि मेरे बच्चों गैसेस का कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल कभी भी एटम नहीं होता, गैसेस का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मॉलिक्यूल। इसलिए एवोगाड्रो ने बोला कि गैसेस एटॉमिक नहीं होती, मॉलिक्यूलर होती है, इसलिए बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। यानी अगर मैंने कोई भी चार गैसेस ले ली, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब का वॉल्यूम वी ले लिया, इन सब का प्रेशर मान लो पी ले लिया, इन सब का टेम्परेचर मान लो टी ले लिया, ऐसे केस में अगर हीलियम में एन मॉलिक्यूल होंगे तो हाइड्रोजन में भी एन मॉलिक्यूल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में भी एन मॉलिक्यूल होंगे, और बेटा हमारे पास अमोनिया में भी एन मॉलिक्यूल्स ही होंगे। एटम भले ही डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। जैसे एटम की बात करें, देखो बेटे हीलियम के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक ही एटम है ना, हीलियम के अंदर एक ही एटम है, तो बेटा एन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, हम बोलेंगे यहां पे सर एन एटम्स होंगे, क्या होंगे, एन एटम्स होंगे, क्लियर हो गई बात। अब यहां आ जाओ, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, बेटा हाइड्रोजन H2 से मिलकर बनता है तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, तो एन मॉलिक्यूल्स है यहां पे, अगर एक में दो है तो एन में कितने होंगे,
2n, तो यहां 2n एटम्स होंगे, कितने होंगे 2n एटम्स होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं बेटा, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के, टोटल तीन। तो एक मॉलिक्यूल में अगर तीन है तो n मॉलिक्यूल में कितने होंगे बेटा, 3n, यहां 3n एटम्स होंगे। तो फटाफट बताओ इसका मतलब अमोनिया में कितने एटम होंगे, 4 सर, 4n, यस, देयर इज 4n एटम्स, 4n एटम्स। तो हमें ये क्लियर हो गया कि आप देखें एटम्स का नंबर डिफरेंट है, यहां पे n एटम्स, यहां 2n, यहां 3n, यहां 4n। तो अगर मॉलिक्यूल सेम है पर एटम का नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो एवोगैड्रो ने ये कहा बेटा कि गैसेस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल कभी एटम नहीं होते, गैसेस के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हमें एटम की टर्म में नहीं लिखना है, मॉलिक्यूल की टर्म में लिखना है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा एटम्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है बट मॉलिक्यूल्स का नंबर हमेशा और हमेशा सेम रहेगा। अगर आपके वॉल्यूम सेम है, आपका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, बेटा क्लियर। तो इस हिसाब से दो चीजें पढ़ी, पहली पढ़ी बर्जीलेस हाइपोथेसिस। अगर तुमसे कोई पूछता बट इस बर्जीलेस हाइपोथेसिस क्या बोलोगे, बोलोगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलेंगे अगर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलेंगे एटम से मॉलिक्यूल क्यों किया, बोला क्योंकि गैस के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, एटम नहीं होते हैं। तो एटम्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल का नंबर सेम रहेगा। होपफुली समझ में आ गया। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड डू दैट क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इन अ सर्टेन कंडीशंस, इन अ सर्टेन कंडीशंस, इन वी वॉल्यूम ऑफ, इन वी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इन वी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वी हैड एक्स मॉलिक्यूल्स, वी हैड एक्स मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन वी वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन वी वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर, इज देयर। सर नेटवर्क इश्यूज के कारण आपकी वॉइस कट रही है, आप बोर्ड पे लिख दो प्लीज क्वेश्चन। हाँ जी जरूर लिख देता हूँ बेटा। नेटवर्क मेरी तरफ से भी जा रहा है बेटा कि आपकी तरफ से, आपकी तरफ से सर, यहाँ पर बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, बीच में बार बार, कभी स्ट्रॉन्ग है तो कभी फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके ओके मैं करता हूँ बेटा इसको सेट, डोंट वरी। हाँ जी सर मेरे साथ भी कल ये हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको ना सारे लेक्चर साथ के साथ यूट्यूब पे मिलते चले जाएंगे मेरे, कल वाले का आपको लिंक मिल गया होगा, नहीं मिला होगा सर रोज होता है तो, ठीक। अब आपको डिले नहीं करूंगा बिल्कुल भी, साथ के साथ ही दे देंगे। तो देखो बेटे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है हमारे पास इन वी वॉल्यूम, इन वी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस, कंडीशंस देयर आर, there are n molecules, there are n molecules, how many atoms, how many atoms are there in v 2v volume, in 2v volume of sulfur dioxide under
under similar conditions of temperature and pressure. बेटे क्वेश्चन मैंने दिया इन वी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अंडर सर्टेन कंडीशन देर आर एन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन टू वी वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. दिव्यांश गलत हो गया बेटा थोड़ा सोचो. यस दक्ष इट्स करेक्ट सर. फोर नो बेटा. जसनूर बिल्कुल करेक्ट. नंदिनी करेक्ट. आशीष यू आर ऑल्सो करेक्ट. सी जिनका नहीं निकला या नहीं समझ में आया बहुत इजी है इट्स नॉट डिफिकल्ट. हमने बोला कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स. तो अगर वॉल्यूम वी है वी में हमारे पास कितने कितने मॉलिक्यूल बोले एन. तो किसी का भी वी वॉल्यूम होता उसमें एन ही मॉलिक्यूल होते. तो एक बात क्लियर थी कि वी वॉल्यूम कंटेन्स कितने बेटा एन मॉलिक्यूल्स चाहे गैस जो मर्जी हो. क्योंकि हमने ये कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसी हिसाब से वी वॉल्यूम कंटेन्स एन मॉलिक्यूल. हमारे पास कितनी वॉल्यूम दी थी बेटा 2V. सो 2V वॉल्यूम कंटेन्स अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे. तो मॉलिक्यूल हो गए 2N मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल कितने हो गए 2N मॉलिक्यूल्स. लेकिन मैंने पूछा क्या. मैंने मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे बेटा. मैंने क्या पूछा एटम. यहां गलती करती है ना. और एटम किसके सल्फर डाइऑक्साइड के. बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में कितने आइटम है 3. सल्फर डाइऑक्साइड में कितने आइटम है 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना मेरे बच्चों बेटा 3 एटम्स. 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम. हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल इसके कितने थे 2N. देयरफॉर 2N मॉलिक्यूल्स कंटेन 2N into 3, that is 6N atoms. बेटे, अगर तो हमें मॉलिक्यूल पूछे होते तब तो आंसर अपन 2N ही लिख देते. लेकिन हमसे मॉलिक्यूल थोड़ी पूछे थे. हमसे क्या पूछे थे बेटा हमसे एटम्स पूछे गए थे. तो पहले हमने मॉलिक्यूल पर निकाल लिए क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में मॉलिक्यूल सेम होने थे तो वॉल्यूम निकाल लिए. लेकिन हमने एटम पूछे थे तो एटम इसको ऐसे कर दिया. बोलो समझ में आता है. मतलब ये है इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो बेटा बी वॉल्यूम कंटेन एन मॉलिक्यूल. तो 2V कंटेन 2N मॉलिक्यूल्स. तो 2N मॉलिक्यूल होने चाहिए थे. बिल्कुल बेटा ध्यान से समझो. V वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल होंगे तो बेटा 2V में 2N मॉलिक्यूल्स होंगे. डबल वॉल्यूम तो डबल मॉलिक्यूल्स. लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं पूछा एटम पूछा. अगर मॉलिक्यूल पूछा होता तो यही आंसर होता. लेकिन हमसे एटम पूछा गया. अगर एटम पूछा गया तो सल्फर डाइऑक्साइड में कितने एटम है 1 सल्फर का 2 ऑक्सीजन के 3 एटम है. कितने हैं 3 एटम. तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम और 2N मॉलिक्यूल विल कंटेन 2N into 3 दैट इज 6N atoms. सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी मेड इजी. बोलो कर सकोगे बेटा. तो ये था एवोगैड्रोस लॉ एंड बर्जीलियस हाइपोथीसिस. ये दोनों आपको क्लियर कर दी. तो मैं चलते हुए एक मिनट चुटकी में इसका फिर से बोल देता हूं कि बर्जीलियस हाइपोथीसिस क्या होती है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और बेटा अगर एवोगैड्रो लॉ बोलेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एटम को किससे कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूल से अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो बेटा ये एवोगैड्रोस लॉ हो गया क्योंकि ये लॉ है ये वैलिड है